अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाशि सिद्धि सिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा भगवन् पधारो हृदय में विराजो मेरी प्रार्थना है मेरी प्रार्थना है। भगवन् पधारो हृदय में विराजो मेरी प्रार्थना है मेरी प्रार्थना है। अपना बना लो गले से लगा लो तुम्हें वंदना है तुम्हें वंदना है। अपना बना लो गले से लगा लो तुम्हें वंदना है तुम्हें वंदन समता के सागर समता सिखाना समता के सागर समता सिखाना। मन की विषमता तुम ही मिटाना मन की विषमता तुम ही मिटाना। नहीं इच्छा पूर्ति का आग्रह करूं मैं यही कामना है यही कामना है। भगवन् पधारो हृदय में विराजो मेरी प्रार्थना है मेरी प्रार्थना है। भगवन् पधारो हृदय में विराजो मेरी प्रार्थना है मेरी प्रार्थना। तुम्हारे ही हाथों में सौंपा है जीवन तुम्हारे ही हाथों में सौंपा है जीवन। तुम्हारा ही पकड़ा है हमने तो दामन तुम्हारा ही पकड़ा है हमने तो दामन। पीछे चलाना आगे बढ़ाना तुम्हें अर्पणा है तुम्हें अर्पणा है। भगवन् पधारो हृदय में विराजो मेरी प्रार्थना है मेरी प्रार्थना है। भगवन् पधारो हृदय में विराजो मेरी प्रार्थना है मेरी प्रार्थना। तुम्हारा है उपदेश मन को लुभाता तुम्हारा है उपदेश मन को लुभाता। न कानों में केवल हृदय में समाता न कानों में केवल हृदय में समाता। जो आदेश दोगे जो संदेश दोगे सदा पालना है सदा पालना है। भगवन् पधारो हृदय में
मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, भगवन पधारो हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, सदा आपको साथ मिलता रहेगा, सदा आपको साथ मिलता रहेगा, तो जीवन का उद्यान खिलता रहेगा, तो जीवन का उद्यान खिलता रहेगा, ना हम तुमको छोड़े ना तुम्हें हमें को छोड़ो, यही याचना है, यही याचना है, भगवन पधारो हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, भगवन पधारो हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, अपना बना लो गले से लगा लो, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना है, अपना बना लो गले से तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना है, भगवन पधारो हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, त्रिशिलानंदनम प्रभु परमेश्वरम, त्रिशिलानंदनम प्रभु परमेश्वरम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम, वीर अति वीर के धीर गंभीर के वीर अति वीर के धीर गंभीर के सनमति वीर के जय हो, महावीर के सनमति जय हो, महावीर के सनमति वीर के जय हो, महावीर के अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाए मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु शासन पति भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय कल्याणकारी स्तुति आप सभी श्रवण कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी की करुणा कैसी थी, आप सुन रहे हैं उनका ज्ञान कैसा था, आप सुन रहे हैं उनका दर्शन कैसा था,
अनंत नानिये अनंत दंसी। हे जंबू, भगवान महावीर स्वामी अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन के धारक थे। बंधुओं, अनंत सीमातीत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसे नापा नहीं जा सकता, उसे तोला भी नहीं जा सकता, उसे गिनाया भी नहीं जा सकता, उसे जताया भी नहीं जा सकता। अनंत इतना होता है, अनंत का कोई और कोई छोर नहीं होता। ये आत्मा का वो अनुभव है, ये आत्मा का वो ज्ञान है, जिसे बताने में स्वयं सुधर्मा स्वामी जी भी असमर्थ हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एक ही शब्द बोल दिया, अनंत। अगर उसे उपमित किया जाता तो वो किसी चीज से उपमा दे देते, अगर उसे गिनाया जाता तो उसे किन्हीं संख्याओं में बांट देते, अगर उन्हें नापा जाता तो उन्हें किसी समुद्र किसी आकाश से माप का प्रमाण दे देते। लेकिन नहीं, अनंत को ऐसे नहीं किया जा सकता। बंधुओं, ये आत्मा का जो ज्ञान प्रकाश है, अनंत सूर्य एक साथ उदय होकर जितना प्रकाश देते हैं, और उधर सिर्फ एक केवल ज्ञान का जितना प्रकाश होता है, आप कल्पना करके देखिए, एक तरफ अनंत सूर्यों का प्रकाश है और दूसरी तरफ केवल ज्ञान का प्रकाश, यह है अनंत। अनंत को बताने के लिए अनंत जुबा जरूरी है, अनंत बुद्धि जरूरी है, अनंत वस्तुएं जरूरी है, इसलिए उसे एक ही शब्द में बांध दिया जाए, अनंत। एक जंगल में एक राजा वन भ्रमण के लिए निकला, मौसम बिगड़ गया, मौसम बिगड़ने के कारण उसका जो घोड़ा था वो भी बिगड़ गया और वो भागता चला गया। राजा ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, उसे कहीं पर थामने की, लेकिन वो घोड़ा था, पशु था, नहीं रुका। कहते हैं ना, यदि पशु और मशीन बिगड़ जाए तो आसानी से ठीक नहीं होती। मशीन जब तक ठीक चल रही है, लेकिन जिस दिन बिगड़ गई तो करंट मारेगी। पशु जब तक ठीक चल रहा है तो ठीक चल रहा है, लेकिन जिस दिन बिगड़ गया उसी दिन या तो काटेगा या फिर दौड़ेगा या दौड़ाएगा। वही हाल उस घोड़े का हो रहा था। चलते चलते वो राजा को अंदर बहुत गहन जंगल में ले गया, अपने आप रुक गया। जब घोड़ा थका, और राजा का तो थकना ही था, बेचारा परेशान था, क्या करे, इतने बड़े जंगल में आ तो गया, रास्ता कैसे पता लगेगा वापस जाने का, कुछ समझ नहीं पा रहा था, और ऐसे उस जंगल में उसे भयंकर प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, छटपटा रहा था। उसने क्या देखा, पास में ही एक भील था, वो भील कुछ काम कर रहा था, और उसने उस भील से, उसकी भाषा तो उसको नहीं आती थी, उसने इशारा करके पूछा, पानी है? ऐसे उस प्यासे राजा को, जो प्यास से तड़फ रहा था, छटपटा रहा था, उस भील ने पानी पिलाया। उसके पास जो भोजन होगा वो भी पूछा, आप ये ले लो। भोजन खिलाया, पानी पिलाया, राजा को कुछ शांति मिली, और राजा जब वहां से चलने लगा, राजा कहने लगा, आज तुमने मुझे परम सुख दिया, आज तुमने मुझे जीवन दान दिया, यदि ये पानी मुझे ना मिलता तो शायद मैं इसी जंगल में छटपटा कर मर जाता। और उसने कहा, तुम भी कभी मेरे नगर में आना, इशारा करके कहा। उसने कहा, मैं रास्ता नहीं जानता, कैसे आऊंगा, तुम मुझे नहीं पहचानोगे, कोई आने नहीं देगा मुझे। उन्होंने एक पत्र लिया, वहां पर पत्ता पड़ा हुआ था, उस पत्ते पर कुछ लिखा और उस भील को दे दिया। कहने लगे, जब तुम नगर में आओ ये पूछ लेना, इसको दिखा देना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। उधर राजा चला गया,
कई दिन व्यतीत हो गए। भील के मन में आया, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती, एक दिन जाकर देखना तो चाहिए, क्या राजा वास्तव में मुझे याद करता भी है या भूल गया। उस समय वो भील वो पत्र लेकर नगर की ओर चल पड़ा, नगर में गया, सभी से दिखाया वो पत्र कि महल कहाँ है, मुझे राजा से मिलना है। लोगों को पहले तो बहुत हैरानी हुई, ठीक है भाई मिलना होगा। उन्होंने राजमहल का मार्ग दिखा दिया, द्वारपाल ने रास्ता रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। उसने वो फिर पत्र दिखाया, द्वारपाल ने कहा ये तो राजा के हाथ से लिखा हुआ है, इस पर तो साइन भी किए हुए हैं, हस्ताक्षर हो रहे हैं। उसने राजा को अंदर जाके सूचना दी कि जी ऐसे ऐसे भील जाति का व्यक्ति आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? क्यों नहीं, भेजो अंदर। राजा ने उसको अंदर बुलाया, उसका स्वागत किया, सभी से मिलवाया कि यही व्यक्ति है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी, और उसको ठहरने के लिए कक्ष दिया गया और वहां पर उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई। बंधुओं, जंगलों में रहने वाला वो भील जो हमेशा जमीन पर सोता था, आज उसके पास मखमली बिस्तर थे। वो जैसे उन बिस्तरों पर चढ़ा, उसे बड़ा सुखद लग रहा था, बड़ा प्रिय लग रहा था, वो उस पर कूद कूद के देख रहा था, अरे ये बिस्तर है सोने के, तुम तो बड़े मजे में रहते हो, हमारे वहां तो ऐसे बिस्तर नहीं होते। वो बड़ा खुश हो रहा था। जब उसके सामने भोजन का थाल आया, 36 प्रकार के व्यंजन आए, ये क्या है, ये भोजन है, क्या इन्हें खाया जाता है? हाँ ये खाने के लिए है, ये तो मैंने कभी खाए ही नहीं। और वो उन्हें बड़े सुख से खाने लगा, उसने खीर का भोजन किया, उसने हलवे का भोजन किया, उसने लड्डू खाया, उसने तरह तरह के मेवे मिष्ठान खाए, और जो स्वाद उसको आज अनुभव हुआ शायद पूरी जिंदगी में नहीं। वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था, पहनने को सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहे थे, इतनी प्रसन्नता, जहां उसे एक दो दिन रहना था वहां उसने कुछ समय व्यतीत किया, और अब उसे घर परिवार की याद आने लगी। वो कहने लगा अच्छा अब मैं जाऊं। राजा ने उसको सम्मान विदा कर दिया। भील अपनी बस्ती में पहुंच गया, उन्हें बताया मैं राजा के महलों में गया था। अच्छा राजा का महल कितना बड़ा था, तुमने क्या देखा? हाँ जी कितना बड़ा था, कोई बताएगा? बहुत बड़ा था। कितना बड़ा? अरे बहुत बड़ा, क्या अपनी झोपड़ी से भी बड़ा? अरे ये झोपड़ी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, क्या जो अपनी इतनी सारी झोपड़ियां हैं इससे भी बड़ा? इससे भी बहुत बड़ा था। ये जो जंगल है क्या इतना? अरे इससे भी बहुत बड़ा था, इससे भी बहुत सुंदर था। वो उसकी तुलना नहीं कर पा रहा। अच्छा चलो छोड़ो, होगा बड़ा। तुमने क्या खाया वहां पर? बहुत कुछ खाया मैंने, लड्डू खाए, हलवा खाए। ये क्या होती है, कैसी होती है? बहुत स्वादिष्ट होती है। कैसा होता है इसका स्वाद? अरे बहुत स्वादिष्ट होती है, गुड़ की तरह। हाँ जी भाइयों गुड़ की तरह? अरे नहीं उससे भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, लस्सी की तरह। अरे नहीं तुम कहाँ खो गए, उससे भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। वो बढ़ा रहा है, और बड़ा और बड़ा और अच्छा और स्वादिष्ट, लेकिन वो उसको बता नहीं पा रहा। उसकी कल्पना तो कर रहा है वो, लेकिन बता नहीं पा रहा। इसलिए बंधुओं, ज्ञान अनुभव में जब उतर जाता है तो उसकी कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन उसे बताया नहीं जा सकता। उसका प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन उसे जताया नहीं जा सकता। यदि स्वयं भगवान महावीर स्वामी से भी पूछा जाए आपको ज्ञान कितना बड़ा है, आपका ज्ञान कितना विस्तृत है, तो वो भी यही कहेंगे अनंत, जिसका ना ओर है ना छोर है। इस पृथ्वी के कोने कोने को, प्रत्येक द्रव्य को, प्रत्येक पर्याय को, प्रत्येक परत को अनंत दृष्टि से, अनंत पर्यायों से, अनंत पर्यायवाची शब्दों से वो देखते हैं, वो जानते हैं और वो देख रहे हैं।
ऐसा ज्ञान था उन्हें, जैसे एक गाड़ी है। मैं आपको सामान्य रूप से बताऊं, आप उस गाड़ी का क्या देखते हैं? ये इसका गियर है, ये इसका स्टेयरिंग है, ये इसकी कुर्सियां हैं, ये ऊपर से इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, बस। लेकिन उसका मैकेनिक उसको किस दृष्टि से देखता है, जो उसको बनाने वाला है वो उसको किस दृष्टि से देखता है, इस गाड़ी में कहाँ कहाँ कील लगी है, उस कील में कहाँ कहाँ पेच लगे हैं, कहाँ कहाँ तार लगी हुई है, कहाँ कहाँ उन्हें जोड़ा गया है, कौन कौन से स्टूल लगे हुए हैं, किस किस तरह से इनको जोड़ा गया, कितनी पर्यायों से जोड़ा गया, कितने गेयर दिए गए, कितने मोड़ दिए गए, कितने उसके घुमावदार दिए गए, ये मैकेनिक जानता है, आप नहीं। हमारा ज्ञान कितना है, गाड़ी को देखने भर तक का है। लेकिन भगवान महावीर गाड़ी के अंदर पेच, पेच के अंदर गेयर, उस पेच को भी कितने लोहे से मिलाकर बनाया गया है, भगवान ये भी जानते हैं। कितने लोहे को गलाकर उस एक छोटे से पेच का निर्माण किया गया है, भगवान ये भी जानते हैं। और वो लोहा कहाँ कहाँ से चलकर आया, कितनी पर्यायों में परिवर्तित होकर आया, कितनी उत्सर्पणी अवसर्पणी से चलता आया, भगवान ये भी जानते हैं। ऐसा विशुद्ध अनंत ज्ञान था प्रभु महावीर का, कल्पना नहीं कर सकते। बंधुओं, ये ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है। जैसे जल में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, इसे पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो आत्मा में ये ज्ञान का गुण है, इसे भी पृथक नहीं किया जा सकता। ये कर्मों से आवृत तो हो जाता है, जैसे संसार से सूर्य को अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, बादल आ जाए तो सूर्य को ढका तो जा सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। बंधुओं, उसी प्रकार ये जो ज्ञान का गुण है, इसे आत्मा से दूर नहीं किया जा सकता, आवृत तो हो सकता है। और ऐसा ही ये आवृत ज्ञान, जब जब इससे कर्म रूपी बादल हट जाते हैं, तब तब ये ज्ञान अनंत रूप में उजागर हो जाता है। जीव को जितने भी दुख हैं, इस अज्ञानता के कारण हैं। आप जंगलों से जा रहे हैं, सघन अंधकार है, मार्ग में एक रस्सी पड़ी हुई थी, आपका पांव लगा, भयभीत हो गए, कहीं सांप तो नहीं, पसीने छूट जाएंगे। उसी समय आपने दीपक जलाया, टॉर्च जलाई, आपने देखा, अरे ये तो सांप नहीं, रस्सी थी। कैसा लगा? शांति मिली, सुख मिला, नहीं नहीं, और आपका भय खत्म हो गया। अज्ञानता में भय है, अज्ञानता में दुख है, अज्ञानता में कष्ट है, अज्ञानता में व्यक्ति भयभीत हो जाता है, लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाए तो बंधुओं उसका वो भय खत्म हो जाता है। कुछ यही परिस्थिति है हमारी भी। आज हम ऐसे अनेकों भ्रमों में घूम रहे हैं, संसार की झूठ को अपना समझ बैठे हैं, संसार के मूल अस्तित्व को जानते ही नहीं, अपने आत्मा के मूल अस्तित्व को भुलाकर हम कमजोर और कायर बनकर बैठे हुए हैं। बंधुओं, जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे, अपनी आत्मा में छिपे अनंत ज्ञान को जान लेंगे, उसी दिन हम भगवान महावीर बन जाएंगे। सनातन परंपरा में एक परंपरा है, वो जो भी अवतार मानते हैं, तीन जनों का अवतार मानते हैं, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और महेश शिव जी का, और तीसरी बात पार्वती जी का। जितनी भी देवियां हुई किसकी अवतार हैं? हाँ जी बहनों, आप भी तो सनातन परंपरा में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो, इसलिए पूछ रही हूँ। जितनी भी देवियां हुई किसकी अवतार है? हाँ जी, पार्वती जी के। जितनी भी दुनिया में मंदिर है, ये सब पार्वती जी से जुड़े हुए मिलेंगे। यहां
उनके जहाँ जहाँ उनका जब उनका वो हुआ था, शिवजी उनको लेकर जा रहे थे, जहाँ जहाँ उनका जो जो अंग गिरा वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गई। जितने भी राम के, हनुमान जी के, कृष्ण जी के, प्रहलाद के, जितने भी अवतार हैं, श्रेष्ठ अवतार हैं, वो किनके हैं? कोई शिव जी का अवतार है, कोई विष्णु जी का अवतार है, कोई ब्रह्मा जी का अवतार है। यानी इस सारी सृष्टि में जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों में इन तीनों ने ही बार बार अवतार लिया। ऐसा ही है, आप कभी भी देख लेना, कोई भी महापुरुष होगा उसको ये कहेंगे कि ये शिव जी का अवतार है, ये कृष्ण जी का अवतार है। जब जब इस संसार में दुख शोक बढ़ता है, तब तब इन तीनों में से कोई ना कोई अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण करने के लिए आ जाता है। लेकिन जैन धर्म, जैन परंपरा इस बात का खंडन करती है। जैन परंपरा क्या कहती है? नहीं, तुम में भी शिव है, तुम में भी ब्रह्मा है, तुम में भी विष्णु है, तुम में भी महावीर है, तुम्हारी आत्मा में भी वो सामर्थ्य है कि तुम भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महावीर बनने में समर्थ हो। हमारे जितने 24 तीर्थंकर हुए, वो जो पूर्व की उत्सर्पणी काल में थे वो नहीं है, और जो आने वाले समय में 24 तीर्थंकर होंगे, वो 24 तीर्थंकर जो वर्तमान के 24 तीर्थंकर हैं वो नहीं होंगे। यानी हर आत्मा को तीर्थंकर बनने का अधिकार है, आपको भी अधिकार है तीर्थंकर बनने का। बार बार भगवान महावीर ही आकर इस लोक का कल्याण करने वाले नहीं है, उनके समान अनंत ऐसी जीव आत्माएं हो चुकी है जिन्होंने समय समय पर इस संसार का कल्याण किया है, और उन्हीं के समान अनंत जीव आत्माएं ऐसी होंगी जो आने वाले समय में इस संसार का कल्याण करेंगी। यानी जैन धर्म में सभी को अवसर दिया जाता है, सभी को मौका दिया जाता है, आओ तुम भी आगे आओ, तुम भी महावीर बनने में समर्थ हो। लेकिन कब? जब तुम अपने आप को पहचान लोगे। एक गडरिये के पास बहुत सारी बकरियां और भेड़ें थी। वो हमेशा उन्हें जंगलों में चराने के लिए लेकर जाता था। एक दिन वो अपनी बकरी और भेड़ों को जंगलों में चराने के लिए लेकर गया। वहां उसे मार्ग में एक शेर का बच्चा शिशु शावक मिल गया, अकेला घूम रहा था। उस गडरिये ने उस बच्चे को देखा, उसे बड़ा प्यार आया उस पर, उसने उसे बड़ा प्यार किया। और पशु का स्वभाव है, पशु क्या क्या, मनुष्य का भी स्वभाव है कि जो उसको प्यार करता है वो उसी के पीछे पीछे हो लेता है। वो शिशु, वो शेर का बच्चा भी उस गडरिये के पीछे पीछे घूमने लगा। उस गडरिये ने उस बच्चे को उठाया और शाम को लौटते वक्त अपने साथ ही अपने घर ले आया। अब वो बच्चा उस गडरिये के साथ रहने लगा, वहीं भेड़ों के बीच में रहने लगा, बकरियों के बीच में रहने लगा, उन्हीं की तरह खाने लगा, उन्हीं की तरह चलने लगा, उन्हीं की तरह मिमियाने लगा, सब काम उन्हीं की तरह करता, उन्हीं की तरह जंगल में जाता, उन्हीं की तरह चारा खाता और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन वो गडरिया अपने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में जा रहा था, साथ में वो शेर का बच्चा भी था, लेकिन अब वो बच्चा युवा हो चुका था, बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी वो अपने आप को भेड़ ही समझ रहा था। उन्हीं की तरह बेचारा पीछे पीछे चल रहा था, डरपोक बना हुआ, उन्हीं की तरह घास चर रहा था, उन्हीं की तरह मिमिया रहा था, सब काम उन्हीं की तरह कर रहा था। संयोग ऐसा घटित हुआ, अचानक उधर की तरफ एक शेर आ गया। जैसे ही शेर आया, शेर के आते ही सारी बकरियां, सारी भेड़े मिमियाती हुई जंगल से भागने लगे। जिनके कदमों में जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति से वो भागती चली जा रही थी, और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा, वो भी भाग रहा था। और उसको भागते हुए देखकर शेर को हैरानी हो रही थी। अरे ये बकरियां, ये भेड़ भाग रही हैं, वो तो ठीक है, ये क्यों भाग रहा है?
और वो शेर उस बच्चे के सामने आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही उसके सामने आकर खड़ा हुआ, उस शेर के सामने आकर खड़ा हुआ, वो तो भयभीत हो गया, पसीने पसीने हो गया, कांपने लगा और हाथ जोड़कर जैसे मानो ऐसे कह रहा है, मुझे छोड़ दो, फिर कभी यहां नहीं आऊंगा। शेर देखने लगा, अरे कैसा मूर्ख है ये, आज तक शेरों ने शिकार किया है और ये इन भेड़ बकरियों के साथ चारा खा रहा है, कितना मूर्ख है ये, इसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं। आज तक शेर जंगल का राजा बनकर घूमा है और ये तो डरपोक गिद्धड़ों की तरह भाग रहा है। बंधुओं, उस समय वो शेर उस बच्चे को लेकर, उस युवा शेर को लेकर नदी किनारे गया और उस नदी किनारे जाकर पानी में उसने जैसे ही झांका, उस बच्चे को भी झांक इसमें, और जैसे उस युवा शेर ने उस पानी में झांका तो क्या देखा, क्या देखा, मैं तो शेर हूं, मैं तो इसके समान शेर हूं, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही इस पानी में मैं दिख रहा। सामने वाले शेर को देखकर उसने कहा, अरे तू शेर है, तू कहाँ मिमिया रहा है, तू कहाँ डरपोक बन रहा है, तू मेरी तरह दहाड़, देख जैसे मैं दहाड़ता। उसने दहाड़ लगाई, उसमें भी एक तेज आया, उसमें भी एक जोश आया और जैसी उसने दहाड़ लगाई पूरा जंगल हिल गया। अब वो शेर समझ चुका था अपने वास्तविक परिचय को, मैं तो इन भेड़ों में रहकर भेड़ बन गया, इन बकरियों में रहकर बकरी बन गया, डरपोक बन गया, अरे मैं क्या था और क्या बन गया, मैं जंगल का राजा था और कहां मैं इनकी तरह डरपोक होकर घूम रहा था। अब वो उस जंगल में छलांगे मारने लगा, कूदने लगा, दहाड़े मारने लगा और पूरा जंगल उसकी दहाड़ों से कंपित होने लगा। बंधुओं, कब हुआ ये, जब उसने अपना वास्तविक परिचय जाना। हमारे साथ भी यही हो रहा है, क्या हो रहा है, हम पशु योनि में जाते हैं तो स्वयं को पशु समझने लग जाते हैं, हम नरकों में जाते हैं तो स्वयं को नारकी समझने लग जाते हैं, हम देवलोकों में जाते हैं तो स्वयं को देवता समझने लग जाते हैं, और जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो स्वयं को उन मनुष्यों की तरह समझने लग जाते हैं कि जैसे ये है वैसा मैं हूं। नहीं नहीं बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी वो आपको दिखा रहे हैं आपका वास्तविक परिचय क्या है। समझो आपको कि आप इससे बहुत ऊंचे लेवल के हो, कहां आप इस संसारी जीवों में, इस झूठे संसार में खो चुके हो। आप जो अपने आप को समझ रहे हो आप वो नहीं हो, आप तो इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, आप तीर्थंकर बन सकते हो, आप चक्रवर्ती बन सकते हो, आप केवल ज्ञानी बन सकते हो, बस एक बार आपको वास्तविक परिचय की जरूरत है, चिंतन करके देखना है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, मैं कहां भटक रहा हूं। जिस दिन आपका यह चिंतन श्रेष्ठ होता चला जाएगा उस दिन आप भी उस शेर की तरह दहाड़ मारेंगे और भगवान महावीर के शासन के सबसे ऐसे शिष्य घोषित होंगे, केवल ज्ञान प्राप्त किया और सीधा मोक्ष। हमारे अंदर भी सिद्ध बनने की सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने उस असली स्वरूप को क्यों नहीं पहचान पा रहे, हम उसे क्यों नहीं देख पा रहे। देखना है, जानना है, नहीं तो हम भी खीर को टेढ़ी ही करते रहे। आप कहोगे खीर को टेढ़ी किसने किया, किया ना, एक भिखारी था जो जन्म से अंधा था, वो भीख मांगकर गुजारा किया करता था। एक बार वो भीख मांगने के लिए गया, एक सज्जन व्यक्ति ने उसे भीख में खीर का भोजन दे दिया, उसने खीर खाई, बड़ा आनंद आया, इतना स्वाद, अमृत जैसा स्वाद, ये क्या है, पूछना तो चाहिए। उस व्यक्ति ने उस सज्जन व्यक्ति से पूछा, भाई
ये जो तुमने अभी मुझे खाने को दिया ये क्या है? वो सज्जन व्यक्ति कहने लगा, ये इसे खीर कहते हैं। अच्छा, ये खीर कैसे बनती है? खीर दूध से बनती है। दूध कैसा होता है बहनों? दूध कैसा होता है? सफेद होता है, क्योंकि वो तो अंधा व्यक्ति है, उसने तो कभी देखा ही नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता सफेद क्या होता है और काला क्या होता है। उसके लिए तो सारे रंग एक समान है, सारे स्वाद एक समान है और उसके लिए सारी वस्तुएं एक समान है। सज्जन व्यक्ति कहने लगा, दूध सफेद होता है। अच्छा, ये सफेद क्या होता है? सफेद कैसा होता है? अरे भाई, क्या तुम सफेद को नहीं जानते? नहीं, मैंने कभी सफेद को नहीं देखा, ना मैं जानता हूं। और उस समय उसने कहा, सफेद बगुले के जैसा होता है। अब और हैरानी की बात, अब भाइयों आप बताओ बगुला कैसा होता है? हाँ जी, आपने तो देख रखा है। अब आपसे कोई ये बात पूछने लग जाए बगुला कैसा होता है तो आप कैसे बताओगे? अब उस अंधे व्यक्ति को तो चित्र भी नहीं दिखाया जा सकता, भाई बगुला ऐसा होता है, तो आप क्या बताओगे कैसा होता है बगुला? ये बातें ना आप लोग हमसे पूछते, महाराज जी मोक्ष कैसा होता है? आपने देखा है मोक्ष? मोक्ष में जाकर क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, वहां क्या करते हैं? अब वही हाल, जो हाल उस समय हमारा होता है ना, वही हाल उस समय उस व्यक्ति का हो रहा था। अब जैसे हम मोक्ष को बता नहीं सकते, वो उस व्यक्ति, उस अंधे व्यक्ति को क्या बताए कि ये बगुला कैसा होता है? लेकिन फिर भी वो व्यक्ति पूछ रहा है कि श्वेत क्या होता है? उसने कहा, श्वेत एक बगले की तरह होता है। अच्छा, तो ये बगुला कैसा होता है? अब वो व्यक्ति उसको बताने लगा, उसका हाथ लिया, उसका हाथ लेकर मोड़ दिया, आगे वाली उंगलियों को चोंच का आकार बनाया और कहने लगा, बगुला ऐसा टेढ़ा होता है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, खीर टेढ़ी होती है। हाँ जी भाइयों, सुना है ना टेढ़ी खीर, ये वही कहानी है, खीर टेढ़ी होती है। लेकिन जो खीर मैंने खाई थी वो तो टेढ़ी नहीं थी, तो फिर ये खीर टेढ़ी कैसे हो गई? ये बात है, वास्तव में वो जन्मांध जो अंधा व्यक्ति है, वो जो मूर्ख व्यक्ति है, उसको समझाना ऐसी ही टेढ़ी खीर के समान। पर कब तक? कब तक? जब तक स्वयं की आंखें ना आ जाए। जिस दिन स्वयं की आंखें खुल गई ना, फिर वो टेढ़ी खीर भी सीधी हो जाएगी। बंधुओं, हमारा भी यही हाल हो रहा है, आप सभी को समझाना भी मेरे लिए टेढ़ी खीर के समान है। आप कहोगे, नहीं महाराज जी, हम तो समझ लेंगे, हम ऐसे नहीं है। नहीं, आप नहीं समझोगे, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व में भटकते आ रहे हैं। आपको सम्यक्त्व में लेकर आना, आपको भगवान महावीर से जोड़ना, आपको सच्चा मार्ग दिखाना, आपको संसार मार्ग से ले जाकर मोक्ष का मार्ग बताना, आपको नतत्वों का ज्ञान देना, आपको मोक्ष की वास्तविकता का बताना, मेरे लिए टेढ़ी खीर के समान, क्योंकि ये ज्ञान आत्मा का होता है। भगवान महावीर को ये ज्ञान नए सार के भव में प्राप्त हुआ था, और ये ज्ञान मिला हुआ कब तक चलता रहा चलता रहा, और पूर्णता मिली भगवान महावीर के भव में, तीर्थंकर के भव में उन्हें पूर्णता मिली। बंधुओं, आज अगर हमें समकित प्राप्त हो जाए तो फिर हमें भी कभी ना कभी तो पूर्णता मिल सकती है। और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, स्वयं को समझो, स्वयं को जानो, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। महापुरुषों ने कहा है, आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना,
ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बंधुओं, इसी सच्चाई को समझ रहे हैं इस हैबोवाल के कुछ श्रावक और श्राविकाएं, और उन श्राविकाओं में एक बहन है, बहन भावना जैन, जिन्होंने समझा है संसार के स्वरूप को, जिन्होंने समझा है भगवान महावीर के धर्म को, जिन्होंने समझा है कि तप से ही कर्मों की निर्जरा की जा सकती है, जिन्होंने ये समझ लिया है कि मोक्ष को यदि पाना है तो उससे पहले आत्मा को तपाना पड़ता है, और उन्होंने इसी आत्मा को तपाने के लिए शुरुआत की 2 जुलाई से। निरंतर उन्होंने निर्णय किया आयम बिल तप करने का। कल्पना करके देखो, यदि एक आयम बिल करना पड़े तो कितने ज्यादा हम उद्विग्न हो जाते हैं, कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उल्टियां लग जाती हैं, सिर में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम अज्ञानी हैं। लेकिन जो ज्ञानवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो ये समझ लेते हैं, खाते खाते तो जिंदगी व्यतीत हो गई लेकिन अब कुछ करने का समय आ गया है। जिसने समझ लिया ये मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, बार बार मिलने वाला नहीं है, 84 लाख जीवा योनि में बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म पाया है, इसकी उपयोगिता को समझा, जाना, पहचाना, ज्ञान हुआ, और ज्ञान होते ही अपने आप को तपस्या में लगा दिया। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष, ऐसे तपस्वी साधक संसार में विरले होते हैं। चतुर्मास प्रारंभ से ही क्षेत्र में बड़ी सुंदर तपस्याएं चल रही है। भाई शुभम जी ने व्रतों की 28 तप संपन्न की, छोटे छोटे बच्चों ने एकासने की 28 तप संपन्न की, कई भाई बहनों ने व्रतों के तेले तप किए, आइम्बिलों के तेले तप की लड़ियां तो प्रतिदिन चल ही रही हैं, लंबे लंबे एकासन तप की तपस्याएं चल रही हैं। सभी भाई बहन कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, तप क्षेत्र में शूर वीरों की तरह, योद्धाओं की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ये महावीर का शासन है, भगवान महावीर का। कोई भी श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी भला कायर कैसे हो सकता है? इस धर्म को तो शूरवीर अपनाया करते हैं। जैसे सेना में भर्ती होने के लिए व्यक्ति अपने सर पर कफन बांध लेता है, मरना जीना जो कुछ है देश के लिए, वो संसार के मोह को छोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान महावीर के शासन में जो व्यक्ति बढ़ता है वो भी अपने समस्त मोह बंधनों को छोड़कर, अपने रस को छोड़कर, अपने स्वाद को छोड़कर, अपनी इच्छाओं को छोड़कर भगवान महावीर के शासन में आगे बढ़ता है। शूरवीर बढ़ सकते हैं, कायर नहीं बढ़ सकते, हर एक व्यक्ति नहीं बढ़ सकता। है बोवाल वालों, आपके यहाँ पर 300-350 घर है, कितने लोग ऐसे कर्मवीर हुए, कितने लोग ऐसे तपवीर हुए, शूरवीर हुए, कितने, कुछ गिने चुने। क्योंकि कोई कोई शूरवीर ऐसे ऐसे तप क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और बहन भावना उन शूरवीरों में से एक है। आप सोचो, घर परिवार संभालना, बच्चों को संभालना, प्रतिदिन स्थानक में आना, और उसके साथ साथ तपस्याएं करना, कितने उत्सव भी आए होंगे, कितनी एक महीने में घटनाएं भी घटी होंगी, लेकिन बहन ने अपने आप को तप क्षेत्र में लगाया। इनके लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, और इनकी ये धर्म भावनाएं इसी तरह आगे से आगे बढ़ती रहे, ऐसी हम मंगल प्रार्थना करते हैं। इनके लिए 2 शब्द कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगी, क्योंकि सब शायद यही सोच रहे होंगे महाराज जी कब बंद हो और कब बहन का अभिनंदन किया जाए। इसलिए बंधुओं, मेरे लिए तो ये प्रसिद्ध है, एक बार हमारा रोहतक में चतुर्मास था, वहाँ के मंत्री जी कहा करते थे, महाराज जी टीवी का तो रिमोट होवे है, उसका बटन दबा दो बंद कर दो, लेकिन आपका तो कोई रिमोट भी नहीं होता जिसको दबा के बंद कर दो। तो अब मैं अपने विषय को विराम दूंगी 2 शब्द कहते हुए। आओ हम आज करें तपस्या का अभिनंदन, आओ हम आज करें तपस्या का अभिनंदन, तप
तप ज्वाला में तप करे, काया बनती कुंदन। तप ज्वाला में तप कर, काया बनती कुंदन। अठाई तप करना भी आसान नहीं कोई, अठाई तप करना भी आसान नहीं कोई। तप धारा में बहना आसान नहीं कोई, तन मन की मजबूती से शोभे तप आसन। आओ हम आज करें तपस्या का अभिनंदन, आओ हम आज करें तपस्या का अभिनंदन। मुक्ति की राहों में तप बहुत जरूरी है, मुक्ति की राहों में तप बहुत जरूरी है। अध्यात्म साधना तो तप के बिना अधूरी से कट जाते हैं जन्मों के अगबंधन। आओ हम आज करें तपस्या का अभिनंदन, आओ हम आज करें तपस्या का अभिनंदन। बहन भावना जी ने तप को है अपनाया, सुन कर के प्रभु वाणी जीवन ये चमकाया। संतों के उपदेशों पर करना चिंतन मंथन, आओ हम आज करें तपस्या का अभिनंदन। तप ज्वाला में तप कर, काया बनती कुंदन। तप ज्वाला में तप कर, काया बनती कुंदन। बहन भावना जी ने आंबिलों का मास खमन तप, आज इनके आंबिल तपस्या का 31वां दिन है। कल्पना करते हुए भी सोचते हैं बंधुओं कि एक दिन भी रूखा सूखा खाना हो तो सोचते हैं कल आंबिल करना पड़ेगा, उसकी तैयारी ना हफ्ते भर से ही शुरू हो जाती है। चलो आज ये भी खा लेती हूँ, 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 दो टाइम दूध और पी लेती हूँ, अरे भाई जूस भी दे दो क्योंकि फिर कल तो मिलेगा नहीं, कहीं कमजोरी ना आ जाए, कहीं चक्कर ना आ जाए। और एक महीने जिसने साधना की हो, कितना अपना स्वाद को मारा होगा, कितनी इंद्रियों को वश में किया होगा, कितना अपने मन को समझाया होगा और किस तरह कर्म क्षेत्र में तप क्षेत्र में आगे बढ़े। ऐसी ऐसी बहनें, ऐसी ऐसी युवतियां ही आने वाले अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में भगवान महावीर के या अन्य किसी तीर्थंकर के शासन में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने की अधिकारी हुआ करती है। और मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी, अगर आप तपस्या नहीं कर सकते, प्रवचन तो सुन सकते हैं ना, उसमें तो कोई जोर नहीं लगता, कुर्सियां बिछी बिछाई मिल जाती हैं, आसन बिछे बिछाए मिल जाते हैं, आपको तो कोई बोलना भी नहीं पड़ता, बोलने वाले सामने बैठे होते हैं, बस आपको तो अपने कानों का प्रयोग करना होता है, सुनना होता है। और ये भी आपकी हिम्मत है जो आप मुझे एक घंटा सुनते हो, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सुनने वाले श्रोता मेरे सामने बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत
दिखानी है साधु संतों को सुनने की। बंधुओं आज कितनी तारीख है और चतुर्मास कितनी तारीख को पूर्ण होगा? हाँ जी 27 नवंबर, यानी अभी आपको 4 महीने और हमें सुनना है। घबराना नहीं, 4 महीने और दिल थाम कर सुनना। अगर भगवान महावीर की वाणी का एक भी शब्द आपके जीवन में उतर गया, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आगे आने वाली उत्सर्पणी से अवसर्पणी में नहीं जाओगे, उत्सर्पणी में ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। अगली उस अवसर्पणी में जाने की क्या जरूरत है, उत्सर्पणी में काल में ही सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की तैयारी करनी है और ऐसा ही सोचना है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, जो तपस्या नहीं कर सकता, सत्संग की आधी घड़ी, सुना होगा आपने ये दुआ, सत्संग की आधी घड़ी आधी से भी आध। कितना टाइम हुआ, कोई उपयोग लगाएगा? हाँ जी श्रावक जी कपिल भाई, सत्संग की आधी घड़ी आधी से भी याद, इतनी संगत साधु की हने कोटि अपराध। और आपको तो एक घंटे में कितने कितने पाप कर्म धुल जाएंगे, जब आधी से भी आधी घड़ी में कोटि अपराध खत्म हो सकते हैं, हमारे माफ हो सकते हैं, तो भगवान महावीर की वाणी को सुनकर एक घंटे में कितने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। इसे व्यर्थ मत करो, फालतू का मत सोचो, फालतू का समय होगा, फालतू का टाइम होगा तो हम निकाल लेंगे। बंधुओं संसार की सभी चीजें, खाना एक बार छोड़ देना, नहाना एक बार छोड़ देना, संसारी कर्मों को एक बार छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मनुष्य जीवन में कि हाँ ये नहीं किया तो अगले जन्म में मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर धर्म नहीं किया ना तो ये गारंटी है अगले जन्म में मनुष्य जन्म तो क्या, त्रियंच गति भी मिल जाए ना तो भी शुक्र मनाना। इसलिए धर्म बहुत जरूरी है। अगर प्रवचन में भी नहीं आ सकते, हमारी बहनों के बहुत दिक्कतें हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन तैयार करना, ये करना वो करना, मान लिया आप प्रवचन में भी नहीं आ सकते, पूरा दिन में एक बार तो आ सकते हो ना, और उस एक बारी में कम से कम एक घंटे की जाप की बारी तो दे सकते हो ना। नवकार मंत्र का एक बार सुमरण करने से कितने करोड़ों कर्म धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। जानते हो उस सेठ को, आपने सुना होगा, तानंग तानंग सेठ वचन प्रमाणंग, जिसने सिर्फ यही कहा था, अरिहंत तानंग भी जिसको बोलना नहीं आता था, तानंग तानंग करता रहा, उसी तानंग तानंग से देवलोक मिल गया। और आप अगर नवकार मंत्र का सुमरण करोगे तो आपको तो क्या पता 26वां देवलोक भी मिल जाए। इसलिए कम से कम महाराज जी होता नहीं, महाराज जी अगस्त में फिर जाप करना है, हमने तो सोचा था जुलाई में 12 घंटे का जाप बैठेगा, अरे अगले जन्मों में नहीं मिलना ये जाप, तरसते रहना नवकार मंत्र पढ़ने के लिए, नहीं मिलना, नहीं मिलना। बंधुओं देवताओं बन गए फिर भी नहीं मिलना, त्रियंच बन गए फिर भी नहीं मिलना, मनुष्य बने कौन सी भूमि में, कौन से देश में, कौन से काल में, कौन से आर्य में पैदा हो गए कुछ नहीं पता। इसी जन्म में नवकार मंत्र मिल रहा है, अब हमसे जपा नहीं जाता, अगले जन्मों में यही नवकार मंत्र याद आएगा फिर आपको, काश हम भी नवकार मंत्र का सुमरण कर लेते। इसलिए मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, नवकार मंत्र को जपने में, जाप करने में कभी प्रमाद मत करना, क्योंकि ये हमारा प्रमाद, भगवान ने कहा सम्यंगोयम मापमाय गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। और मुझे हैरानी हो रही है 300 घरों में भी नवकार महामंत्र का जाप देने में, महाराज जी अगस्त में भी करना पड़ेगा, कौन सी बारी में करना है, अरे महाराज जी थोड़े दिन की छुट्टी दे दो, छुट्टी तो मिली जानी है 5 महीने के बाद, अभी तक छुट्टियों पर ही थे, अभी तक तो छुट्टियों पर ही थे, काम पर तो अब आयो 1 महीने से। बहनों और मेरे भाइयों, क्यों इन बातों के लिए बार बार कहना पड़ता है, आपको तो स्वयं से आगे आना चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ कमाई कर जाओ, कुछ धर्म कमाई कर जाओ,
सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक नवकार महामंत्र का जाप चल रहा है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगी 8-9 बजे तक की बारियाँ हमारे भाइयों की तरफ से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद की बारी हमारी बहनें देंगी, बड़ी सुंदर ढंग से देंगी, स्वयं से बारी लिखवाए, बढ़ चढ़ कर भारी लिखवाए। और मैं आपको एक बात कहती हूँ, जो जाप दे रहे हैं अपने हर महीने का रिजल्ट देख लिया करो कि इस एक महीने में मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी दुकान में क्या परिवर्तन आया, हमारे घर में बीमारी में क्या परिवर्तन आया, धन में क्या परिवर्तन आया, हमारी विघ्न बाधाओं में क्या परिवर्तन आया, हमारे ऊपर जो परेशानियां थी उसमें क्या परिवर्तन आया। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, स्वयं से परिवर्तन देख लेना। ये परिवर्तन ही इस नवकार महामंत्र के जाप से होगा। करके तो देखो, श्रद्धा भक्ति से करके देखो, लेकिन रोते रोते करोगे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो श्रद्धा की चीज है बंधुओं, जितनी श्रद्धा से करोगे उतना आपको मिल जाएगी। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी, नवकार महामंत्र के जाप में आगे आए, भगवान का धर्म जप क्षेत्र में, तप क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, हर तरह से आत्मा का कल्याण करने वाला है। कोई शूरवीर ही आगे आते हैं। और इसी के साथ साथ आज सोमवार से अगले शनिवार तक प्रतिदिन भाई बहनों की अटेंडेंस लगाई जाएगी जाप की, कथा की नहीं, जाप की। कौन अपनी बारी से 5 मिनट पहले आता है, क्योंकि हमें कभी कभी शिकायत मिल जाती है, महाराज जी वो तो 10 मिनट पहले उठकर चला गया। हो सकता है कभी कोई मजबूरी हो, आप बराबर वाली को कहकर उठ सकते हो, तो इसलिए प्रतिदिन अटेंडेंस भी लगाई जाया करेगी। क्योंकि ना लोग यूं कह देते हैं, वो नहीं आता, वो नहीं आता, उनको दिखाएंगे तो सही कि हमारे यहाँ जाप कितने सुंदर ढंग से चल रहा है, कितने व्यवस्थित रूप से चल रहा है, कितनी श्रद्धा से ये जाप चल रहा है। बंधुओं करके देखो। मैं तो वो दुकानदार कहता है ना, कपड़ा लेकर तो देखो, पहन कर तो देखो, मैं तो ये कह रही हूं करके देखो। करने जैसे डॉक्टर दवाई देता है, खाके तो देखो, अगर खाओगे नहीं तो आराम कैसे होगा, उसी प्रकार मैं कह रही हूँ करके देखो, करोगे नहीं तो आराम कैसे होगा हमारी आत्मा को। अटेंडेंस ऊपर लगवा कर जाया करें, ऊपर ही आप सभी के नाम लिखे होंगे, किसी ना किसी साध्वी को बोलकर अपने अटेंडेंस जरूर लिखवा कर जाया करेंगे। अब इसी के साथ साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। मंगलम चैतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा, चैतारी शरणंग पवज्जामी, अरिहंते शरणंग पवज्जामी, सिद्धे शरणंग पवज्जामी, साहु शरणंग पवज्जामी, केवली पणतंग धम्मंग शरणंग पवज्जामी। ये चारे शरण दो